दोस्तों ट्रेन्स का संचालन पिछले साल 23 मार्च 2020 को बंद कर दिया गया था, जैसा पिछला 167 सालों में कभी नहीं हुआ। कोविड के दौरान पहले तो गुड्स ट्रेन का संचालन शुरू किया गया, फिर कुछ ट्रेन्स श्रमिकों के नाम पर चलाई गई, जिसके बाद कुछ महत्वपूर्ण रूट्स में कुछ ट्रेन्स स्पेशल बनाकर नए नंबर से चलाई गई। इन स्पेशल ट्रेन्स का किराया भी सामान्य किराए से ज़्यादा था, पर घटते हुए कोविड मामलों को देखते हुए रेलवे ने कहा, कोरोना काल के दौरान स्पेशल का टैग लगने से बढ़े हुए किराए के साथ चल रही थी सभी ट्रेनें, अब पुराने नाम व नंबर के साथ सारी ट्रेनें चलेंगी। कोरोना काल में स्पेशल ट्रेन में बदल दी गई थी सामान्य ट्रेनें। सभी रेलगाड़ियां पहले की तरह सामान्य रूप से संचालित की जाएंगी, इससे इन ट्रेनों में वसूला जा रहा स्पेशल चार्ज भी घट जाएगा, इससे किराए में करीब 30% का कमी आएगा। कुछ दिनों के अंदर ही 1700 से अधिक ट्रेनें रेगुलर ट्रेनों के तौर पर रीस्टोर कर दी जाएंगी। 12 नवंबर को हुई बैठक में रेल मंत्रालय द्वारा बहुत सारे अहम फैसले लिए गए और कई नए सर्कुलर्स भी जारी किए गए, जिसमें ट्रेन्स के सामान्य तौर पर संचालन की बात प्रमुख रही। साथ ही साथ सेकंड क्लास या अपनी भाषा में कहें जनरल कंपार्टमेंट को लेकर एक नई बात सामने आई, जिसमें कहा गया कि जनरल टिकट वाला सिस्टम अब नहीं होगा, सिर्फ रिजर्व टिकट और सेकंड क्लास में वेटिंग टिकट वाले ही यात्रा कर पाएंगे। साथ ही साथ रेलवे का कहना है जिन्होंने टिकट करवा ली है सामान्य ट्रेन के संचालन से पहले, उनसे किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा, पर पैसा वापस भी नहीं होगा। ये सब के बाद कोरोना के हर नियम का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा और पालन ना किए जाने की स्थिति पर सजा का प्रावधान होगा। तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर है, आज एक साल से ज़्यादा हो गए हैं ट्रेन के परिचालन को बंद हुए। इस बारे में हर न्यूज़ में आपको अपडेट करता रहूँगा। इस तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहें नोमैडिक रेल यात्री चैनल से। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।